three prepositions that we use with the verb made. Made in, made of, and made by. चलिए सीखते हैं हम तीनों का यूज कहाँ पे करते हैं. नंबर वन, मेड इन. मेड इन का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी कंट्री को रेफर कर रहे हैं. मेड ऑफ का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी मटेरियल को रेफर कर रहे हो. और मेड बाय का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी कंपनी नेम को या फिर किसी पर्सन को रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये फोन इंडिया में बना हुआ है. दिस फोन इज मेड इन इंडिया. यहाँ पे हम एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक कंट्री को रेफर कर रहे हैं. अगर हम बोलेंगे ये फोन प्लास्टिक का बना हुआ, तो प्लास्टिक यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन आ गया. तो दिस फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक. और अगर हम बोलें कि ये वेबसाइट मैंने बनाई है, दिस वेबसाइट इज मेड बाय मी, तो यहाँ पे मी जो है दिस इज अ पर्सन. अगर मैं बोलूं दिस आइडल इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ पे मटेरियल नाउन आ गया. दिस स्मार्ट पेन इज मेड .. सैमसंग. Now you will tell me यहाँ पे in आएगा, buy आएगा या फिर off आएगा. Comment below.